इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में कई जगह हंगामा। चंदौली में बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, चले लाठी डंडे, तोड़ी गई बाइक। यूपी के प्रयागराज में बीडीसी सदस्य को अगवा करने की कोशिश, पुलिस ने की नाकाम, एसपी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। वोटिंग के दौरान अयोध्या में भी हुआ जबरदस्त हंगामा। बीजेपी समर्थकों पर पुलिस के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मारपीट करने का आरोप। अमरोहा में भिड़े एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता, हंगामा करने वालों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक की दबंगई कैमरे में हुई कैद। एमएलए शशांक वर्मा ने एसपी उम्मीदवार के पति को जमीन में गाड़ने की धमकी दी। हमीरपुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच भी जबरदस्त बवाल। बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, पुलिस के सामने एक दूसरे पर किया लाठी डंडों से हमला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, कहा वोट डालने से रोक रहे हैं बीजेपी सपोर्टर्स, पुलिस के सामने कई गाड़ियां तोड़ी। रामपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी ने बीडीसी सदस्यों को घर में बनाया बंधक। सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर बीडीसी सदस्यों को छुड़ाया। छापेमारी में घर से 4 राइफल्स बरामद। उन्नाव में वोट डालने गए बीडीसी सदस्यों को दबंगों ने दौड़ाया, जान बचाकर खेत में भागे बीडीसी सदस्य, नहीं डाल पाए वोट। हिंसा की घटनाओं के बाद सीएम योगी का अहम फैसला। चुनाव में जीते और हारे उम्मीदवारों को घर तक छोड़ेगी पुलिस। माहौल खराब होने पर अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिजनौर में वोटिंग के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती। हिंसा और हंगामे के मद्देनजर ड्रोन से भी हो रही है निगरानी। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बोले, सभी जनपदों में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। यूपी में 825 में से 349 ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो चुके हैं, चुने जा चुके हैं निर्विरोध। बची हुई 476 सीटों के लिए आज है मतदान। लखीमपुर खीरी में महिला से बदसलूकी पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। लखीमपुर खीरी में सपा की महिला कैंडिडेट के साथ हुई बदसलूकी पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने नामांकन रोकने के लिए सारी हदों को पार किया। वोटिंग शुरू होने से पहले मायावती का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप। मायावती ने कहा बीजेपी सरकार में चल रहा जंगल राज, पंचायत चुनाव में महिला के साथ बदसलूकी शर्मनाक। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ ने साधा अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना। ट्विटर पर लिखा पीएम के कैबिनेट विस्तार पर सवार उठाने वालों ने लोहिया के किसी सिद्धांत का पालन नहीं किया, बाबा साहब का भी अपमान किया। कैबिनेट विस्तार पर सवाल उठाने वालों को योगी का जवाब, कहा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व, लोहिया अम्बेडकर की कल्पना को किया साकार। नए कृषि कानून के विरोध में हरियाणा में जबरदस्त बवाल। यमुनानगर में पुलिस से सड़क पर भिड़े किसान, प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल। किसानों ने किया परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का विरोध, ट्रैक्टर से बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े किसान। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया बल का प्रयोग, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, 22 जुलाई को 200 लोग संसद के सामने देंगे धरना, कहा कृषि कानून पर बात करे सरकार। यूपी में जल्द लागू हो सकती है नई जनसंख्या नीति, स्टेट लॉ कमीशन ने वेबसाइट पर अपलोड किया जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पर लोगों से मांगे गए सुझाव, 19 जुलाई के बाद सरकार को भेजा जाएगा ड्राफ्ट। योगी की नई जनसंख्या नीति पर यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा सभी पहलुओं पर किया जा रहा है विचार, सीएम जल्द करेंगे घोषणा। सीएम योगी की नई जनसंख्या नीति का संत समाज ने किया समर्थन, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने जल्द लागू करने की मांग भी की। योगी की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने कहा 2022 के चुनाव से पहले आवाम को गुमराह करने की कोशिश। यूपी सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर बोले योगी के मंत्री मोहसिन रजा, कहा प्रदेश के हर परिवार को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश। योगी सरकार की नई पॉपुलेशन पॉलिसी पर कांग्रेस का हमला, पीएल पुनिया ने कहा मुद्दों से भटकाने के लिए जल्दबाजी में ड्राफ्ट लाई सरकार। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी, दिल्ली में पेट्रोल 100.91 रुपए तो डीजल 89.88 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.93 रुपए प्रति लीटर। तेल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का हल्ला बोल, देहरादून में किया प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। मुंबई में पेट्रोल डीजल का कांग्रेस ने बैलगाड़ी पर किया विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट के दौरान ज्यादातर लोगों के चढ़ने से बैलगाड़ी ही टूटी। तेल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सड़क पर बाइक में लगाई आग, चूल्हे पर पकाया खाना। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों पर रॉबर्ट वाड्रा बोले ये अन्याय हो रहा है, लोगों के हित में सरकार दे ध्यान। दिल्ली एनसीआर में दूध के दामों में भी वृद्धि दर्ज की गई, 11 जुलाई से मदर डेयरी के हर लीटर के लिए 2 रुपए ज्यादा देने होंगे। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आदेश, सही से वर्दी नहीं पहनने वालों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। भारतीय नौसेना के साउथ कमांड ने कोची बेस इलाके को नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया, बेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर लगाई रोक।
स्विच यूएवी वीडियो जल्द ही अगस्त सितंबर से भारतीय सेना का बनेगा हिस्सा। 140 करोड़ का सौदा डिलीवरी के लिए तैयार। आर्मी भारत चीन सीमा के ऊंचे इलाकों में करेगी इस्तेमाल। डीटीसी बसों की खरीद के घोटाले के आरोपों पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीजेपी पिछले 3 महीने से झूठ फैलाने की कर रही है कोशिश। सिसोदिया ने कहा करीब 3000 डॉक्यूमेंट देखने के बाद जांच कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि दिल्ली सरकार ने बसों की खरीद में कोई घोटाला नहीं किया। नाना पटोले के फोन टैपिंग के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बोले गलत हरकत पर कार्रवाई करेगी सरकार। महाराष्ट्र में 12 विधायकों को निलंबित करने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ओबीसी आरक्षण की भी मांग। बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री जाम खान ने खुद को बताया हिंदू, कहा पूर्वज थे राजपूत, धर्मांतरण कर कबूल किया था इस्लाम। जमा खान के बयान पर बोले वीएचपी के सुरेंद्र जैन, भारत के 95% मुसलमानों के पूर्वज हिंदू, कहा बाबर गजनी से नाता तोड़े मुसलमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। राजनाथ सिंह के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। 14 जुलाई को होगी बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के नए प्रधानमंत्री को फोन किया, प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। भारत वियतनाम रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जाहिर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में बिजली के दामों पर केजरीवाल के ट्वीट का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया जवाब। बोले केजरीवाल का मुद्दा चुनाव, लेकिन हम जनता की भलाई के लिए करेंगे काम। तेजस्वी यादव के विपक्ष के साथ आने के बयान पर गिरिराज सिंह का जवाब, कहा बिहार में काम करने वाली सरकार, लोग अब काम खोजते हैं, एकजुटता नहीं। आरजेडी नेता जगानंद के पार्टी से इस्तीफे की खबर का तेज प्रताप यादव ने खंडन किया। बोले पार्टी के साथ बने हुए हैं जगदानंद। पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रदेश के नए गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल से मुलाकात की। कल मंगू भाई पटेल ने ली थी राज्यपाल पद की शपथ। कोरोना लहर के बीच केरल में जीका वायरस से हड़कंप। अब तक 14 नए केस की पुष्टि। एक्शन में राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय। बंगाल में त्रिपुरा से भेजे गए 151 आरटीपीसीआर सैंपल्स की टेस्टिंग। 90 से ज्यादा नमूनों में निकला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। अधिकारियों ने चिंता जाहिर की। कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर नागपुर में हाई अलर्ट। 19 जुलाई तक जारी रहेगी पाबंदियां। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और होटल बुकिंग का प्रूफ दिखाने के बाद ही मिलेगी एंट्री। उत्तराखंड के धनौल्टी में भी भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक बिना मास्क के घूमते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की भी अनदेखी। कोरोना के मामले घटने के बाद लद्दाख में बड़ी टूरिस्ट की संख्या। अलग अलग राज्य से वैकेशन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।